समर्थन शिविर से जुड़ी हुई, जिसका आज दूसरा दिन है। इसमें अमित शाह ने भी शिरकत की और आपको बता दें कि चिंतन शिविर में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। शिविर में सभी राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो दो दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। तो चिंतन शिविर में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद और शिविर में सभी राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। इसमें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने यूपी मॉडल को, जिस मॉडल की हो रही है काफी सराहना, उस पर अपनी बात रखेंगे। चिंतन मंथन होगा और अन्य राज्यों में कैसे इस मॉडल को और भी फॉलो किया जा सकता है, किस नीति, किस रणनीति के तहत। तो इस दो दिवसीय चिंतन शिविर में तमाम बिंदुओं पर चिंतन मंथन होगा और दो दिवसीय चिंतन शिविर है। आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। चिंतन शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कल पहला दिन था, कल भी तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई और किस तरीके से जो आगे की अब रणनीति बनानी है, खास करके एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक लगातार जो मामलों में, जो अपराधों में जो कमी आई है लगातार, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश एक अब श्रेष्ठ राज्य माना जा रहा है। तो चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। तो चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता संदीप खेर के पास। संदीप, कल भी यही समय था जब हम और आप चिंतन मंथन कर रहे थे कि इस दो दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर के, फिलहाल आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल आलोक, देखिए कल के चिंतन शिविर की भी देखिए जिस तरीके से अगर हम हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, कल अपराधों को लेकर बात करी गई और ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक मॉडल था वो कितना हिट हुआ है। ट्विटर पर भी कल ये लगातार ट्रेंड कर रहा था। तो आज देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता, जो दो दिन का चिंतन शिविर है उसकी जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आज की जो देखिए खास बात है ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे। आज महिला सुरक्षा को लेकर, मादक पदार्थों को लेकर, साइबर को लेकर तमाम ऐसे जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अगर इस दो दिन के चिंतन शिविर की बात कर लेते हैं तो लगभग 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि लगभग 44 अरब से ज्यादा की जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला है, जिस तरीके से माफियाओं को जेल भेजा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए बुलाने का मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधों में कमी आई है, जिस तरीके से अपराधियों को जेल भेजा गया, वैसी ही जो नसीहत वो अन्य राज्य भी उसको अपने यहाँ अपनाए। और उसको लेकर तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करी है। तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह सकते हैं कि उस मूल मंत्र को सीखने की कोशिश करी है। आज की देखिए अगर बात कर लेते, जिस तरीके से मैंने कहा कि साइबर सुरक्षा है, मादक पदार्थों की तस्करी है, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, ये जो सभी मुख्य बिंदु हैं ये बहुत जरूरी हैं किसी राज्य के लिए। साइबर की अगर बात कर लेते हैं, जो आज की डेट में कह सकते हैं कि नेट जो है बहुत ज्यादा प्रभावित है, उससे चलते भी कई तरीके की दिक्कतें आती। महिला सुरक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य एजेंडे में शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, महिलाओं को किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है, सशक्त बनाया जा सकता है, किस तरीके से उनको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि इस बार का विधानसभा का जो सत्र था उसमें भी देखा गया था कि एक दिन महिलाओं के नाम रखा गया है। तो ये सरकार चाह रही है कि लगातार महिलाओं को लेकर, क्योंकि देखिए 50% की जो आबादी है वो महिलाओं की है। खुद कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी अभी पिछले विधानसभा चुनाव में एक थीम निकाल दी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तमाम ऐसे मुद्दे। फिर इसके बाद देखिए अगर आ जाते हैं मादक पदार्थों की तस्करी, उसको रोकना जो है वो एक सरकार का कहीं ना कहीं से एक बड़ा जो एजेंडा है। और आज जिस तरीके से देखिए चिंतन शिविर की बात करी जाए, दूसरा और अंतिम दिन है, इसमें पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खुद गृह संजय मोहन प्रसाद गए हैं, डीजीपी देवेंद्र चौहान हैं। तो आज भी पुलिस के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं से ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में देखिए आज चुनाव भी है, चुनाव से पहले जो योजनाएं रही थी, चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकेगा। और देखिए किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए आतंकवाद को खत्म करना, मादक पदार्थों की तस्करी को कम करना, साइबर से होने वाले अटैक, कई
कई बार देखा गया है कि जो आंतरिक सुरक्षा के मामले होते हैं उसमें देखा जाता है साइबर सेल जो है वो काफी हद तक चोट पहुंचाने का काम करता है। ऐसी चीजों को रोकना को देखिए जो चिंतन शिविर है इसमें एक जिस तरीके से नाम से ही जाहिर हो रहा है चिंतन, तो तमाम मुद्दों पर एक चिंतन किया जा रहा है और एक ये बड़ा हाई लेवल कह सकते हैं कि पूरा एक चिंतन शिविर है जिसमें देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री की बात कर ली जाए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, तो यूपी का जो मॉडल है देखिए वो चाहे योगी मॉडल कह लिया जाए या यूपी का जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टर्स को लेकर यहाँ पे बुलाने का काम किया है, तमाम जो विदेशी राजदूत हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखिए एक सोचने वाली बात है कि आखिर एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विदेशों के राजदूत, विदेशों के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनसे मिलते हैं, उत्साहित होते हैं और कहीं ना कहीं से जो सीखने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, क्योंकि जितना बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो किस तरीके से सफलता ने झंडे गाड़ रही है ये देखने वाली बात होगी। चिंतन शिविर में और क्या कुछ खास हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, वहीं योगा क्लास को बंद किए जाने को लेकर के मुलाकात